हुमायूं के मकबरे के परिसर के अंदर 100 से भी अधिक मकबरा कहां से आया? इतने लोग एक साथ कैसे मारे गए थे? हुमायूं के मर जाने के बाद इस मकबरे को कौन बनवाया था? हुमायूं के परिवार में कौन कौन थे? भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम वीडियो करते हैं शुरू। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, इसको देखने के लिए हर साल लाखों देशी तथा विदेशी पर्यटक आते हैं। इस स्मारक के अंदर हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनवाया था। यह मकबरा ताजमहल के जैसा दिखता है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इस मकबरे में बहुत ज्यादा रहस्य छुपा है। चलिए आगे और कुछ जानते हैं। इस मकबरे में एक दो नहीं बल्कि 100 मकबरे हैं, जिसमें हुमायूं के मकबरे को पहचानना कठिन हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सारे मकबरा मुगलों का है। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें चारों तरफ से फूलों तथा पेड़ों से बना बाग है, जो इस मकबरे को 4 चांद लगा देता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद इस मकबरे को उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाए कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। इस मकबरे को बनाने की जिम्मेदारी हुमायूं के बड़े पुत्र अकबर ने अपने कंधों पर लिया और कुछ दिनों बाद जब यह मकबरा बनकर तैयार हुआ तो देखने में बेहद खूबसूरत दिख रहा था और आगे चलकर यह ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हो गया। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां पर हुमायूं के तलवार, जूते और पगड़ी को याद के रूप में रखा गया है। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा है, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। इस मकबरे को बनने में लगभग 8 वर्षों का समय लगा तथा 1.5 मिलियन रुपए खर्च हुआ था। इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। जैसा कि हमीदा बानो बेगम ने अपनी पति की याद में एक बेमिसाल मकबरा बनाया था, उसी तरह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, पहले से ही इस चैनल पे ताजमहल से जुड़े 3 वीडियो मौजूद हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ताजमहल के बारे में अनेक जानकारियाँ दिया गया है, तो दोस्तों आप उस जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज यह मकबरा भारत की शान को बढ़ा रहा है, इसी कारण से इसे विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।